तो Realme 8i डिवाइस को मैं पिछले महीने से यूज कर रहा हूं, तो लगभग 30 दिन मैंने इस डिवाइस को यूज कर लिया है। इस डिवाइस में लगभग प्रोसेसर हो गया, डिस्प्ले हो गया, सारा कुछ आपका सही है, बैटरी भी यहाँ पे सही है, चार्जिंग स्पीड भी सही है, लेकिन एक चीज में मुझे काफी ज्यादा यहाँ पे दिक्कत हो रहा था, जो कि कैमरा क्वालिटी में। और यहाँ पे मैंने देखा है कि रियलमी का जो भी बजट फोन होता है उसमें हमें उतना अच्छा कैमरा क्वालिटी देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे मैंने काफी ज्यादा रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद मुझे काफी सारे गूगल कैमरा का यहाँ पे ऑप्शन मिला, तो मैंने लगभग यहाँ पे 10 से 12 गूगल कैमरा इस फोन में इंस्टॉल किया और सब में ट्राई किया। आखिर में मैं मुझे मिला एक एकदम परफेक्ट गूगल कैमरा जिसमें ये वाला फोन बहुत ही अच्छे से काम कर जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, क्या उस गूगल कैमरा से फोटो क्वालिटी जो निकल के आता है वो स्टॉक कैमरा से अच्छा आता है? उसके लिए पहले ये आप 5 फोटो देखें। यही 5 फोटो में एक फोटो जो लिया गया है वो स्टॉक कैमरा से लिया गया है, और सिमिलर कंडीशन पे, सिमिलर पोजीशन पे खड़े होके एक फोटो जो है गूगल कैमरा से लिया गया है। आप यहाँ पे खुद ही कंपैरिजन कर सकते हो, दोनों में से कोई एक तो बेटर आपको डेफिनेटली लगने वाला है। मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना कि इन दोनों फोटो में आपको कौन सा बेटर लग रहा है। वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को डिक्लेयर करूंगा कि कौन सा फोटो गूगल कैमरा से लिया गया है, कौन सा फोटो स्टॉक कैमरा से लिया गया है। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं Realme 8i में जो वाला वर्जन यहाँ पे मैं गूगल कैमरा का यूज कर रहा हूँ, वो वाला वर्जन अगर आप लोग भी इंस्टॉल कर लोगे तो आपको काफी अच्छा इमेज क्वालिटी देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैंने ए और बी का कंपैरिजन आप लोगों को दिखा दिया, उससे आपको पता चल गया। इसके बाद गूगल कैमरा से लिए हुए कुछ ये सारे इमेज सैंपल आप लोग देख सकते हो, इससे आपको और एक बेहतरीन आइडिया लग जाएगा कि किस तरह का यहाँ पे गूगल कैमरा का परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। रियलमी कैमरा उतना अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं किया जाता है, उतना अच्छे से प्रोसेसिंग नहीं हो पाता है, इसलिए जो कैमरा का क्वालिटी, अच्छा कैमरा होने के बावजूद भी आपको कैमरा क्वालिटी उतना सही देखने को नहीं मिलता है, जबकि इस गूगल कैमरा में ये वाला जो प्रॉब्लम है वो आपका सॉल्व हो चुका है। अब इसको आप इंस्टॉल कैसे करोगे, डायरेक्टली यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को लिंक डाल दूंगा, उस लिंक से आपको एपीके फाइल डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद उस एपीके फाइल को आपको इंस्टॉल कर लेना है, और एक बार इंस्टॉल करने के बाद आपको फोन को डेफिनेटली एक बार रिबूट कर लीजिए, क्योंकि अगर आप रिबूट नहीं करोगे तो फर्स्ट टाइम अगर उस एप्स को आप यूज करोगे, गूगल कैमरा को अगर आप यूज करोगे, तो आपको काफी ज्यादा लैग देखने को मिलेगा, काफी बार ये तो शटडाउन भी हो जाएगा कैमरा एप्स। तो यहाँ पे आप रिबूट कर दो और उसके बाद आप रेडी टू गो हो जाओगे। और ये वाला कैमरा इंस्टॉल करने के बाद कुछ आप इमेज क्लिक करो और अल्टीमेटली आप खुद टेस्ट कर लो कि आपका स्टॉक कैमरा से ये वाला जो कैमरा है वो काफी अच्छा फोटो निकल के आता है। अगर आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है, आपको अगर बेहतरीन रिजल्ट मिलता है, तो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो कि ये वाला गूगल कैमरा से आपका कितना ज्यादा हेल्प हुआ है। रही बात इनिशियल, जब मैंने फोटो आपको ए और बी दो सैंपल शॉट दिखाया था, उनमें से ए वाला जो फोटो है, जितना भी फोटो मैंने ए में दिखाया था सबके सम यहाँ पे जी कैम से लिया गया है, तो अब आप भी मानोगे कि जी कैम का जो ओवरऑल रिजल्ट है वो काफी अच्छा आपको देखने को मिलता है। बाकी अगर आप लोग चैनल में नए हो तो इसी तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।